नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एसडीएम एलके खरे ने जिला चिकित्सालय में आज दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्त रोग की पहचान एसएनसीयू एवं एनआरसी से छुट्टी प्राप्त बच्चों का फॉलोअप कर बच्चों में जन्मजात विकृति की पहचान तथा सभी बच्चों में विटामिन ए का अनुपूरण किया जाएगा। दस्तक अभियान के अंतर्गत एएनएम, आशा कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त दल बनाकर उनके द्वारा सभी ग्रामों में घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण, गंभीर एनीमिया की जाँच की जाएगी। 1,25,000 बच्चों की पहचान कर सूची बनाई गई है। इस अभियान के दौरान समुदाय में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान की जाएगी। आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ रायसेन जिले में भी दस्तक अभियान का शुभारंभ हुआ है। इसमें 0 से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो कुपोषित हैं उन बच्चों का टीकाकरण होगा और टीकाकरण के बाद उनको जो और जो इससे उबर नहीं पाएंगे उनको एनआरसी भर्ती करवा के वो उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट देने के बाद उनको कुपोषण से बाहर लाने का हमारा लक्ष्य है। पूरे रायसेन ज़िले में ये 10 जून से 10 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। आज पूरे प्रदेश की तरह हमारे ज़िले में भी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, माननीय एसडीएम साहब रायसेन की उपस्थिति में एवं जन समुदाय की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और हमारा ये लक्ष्य है कि 0 से 5 साल तक का कोई भी बच्चा कुपोषण से न छूट पाए, उसको कुपोषित है तो उसको एनआरसी में भर्ती कराना है, एनीमिया है तो उसका पता लगाना है, अगर डायरिया और निमोनिया है तो उसका भी पता लगाकर उसको तदनुसार उपचार उपलब्ध कराना है। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।